प्रख्यात समाज सेवी बाबा राघव दास द्वारा स्थापित राजेंद्र नगर स्थित कुष्ठ सेवाश्रम स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी व एवं आश्रम के अध्यक्ष के विजेंद्र पांडियन के अलावा सचिव सुरेश सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर आश्रम के अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि समाज के बहिष्कृत कुछ रोगियों की हर प्रकार से सेवा के उद्देश्य को लेकर 1 अगस्त 1951 को पंडित बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर समाज सेवी बाबा राघव दास द्वारा कुष्ठ आश्रम की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि 1951 से अनवरत इस आश्रम द्वारा रोगियों की चिकित्सा एवं सेवा की जा रही है। डीएम ने कहा कि इस आश्रम में लगभग 2 दशक पूर्व सैकड़ों की संख्या में कुष्ठ रोगियों की भर्ती कर उन्हें निशुल्क चिकित्सा, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी, परंतु वर्तमान में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित MDT कार्यक्रम के कारण कुष्ठ रोगियों की संख्या काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी भी आश्रम में लगभग 2 दर्जन मरीजों को भर्ती कर उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा, और आप लोगों का भी आभार कि आप मुझे सुना। जब हम अपनी स्थापना में 70 वर्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उस अवसर में कम से कम हम उस व्यक्ति को इस परिसर में अवश्य स्थान दें जिनकी प्रेरणा से बैठने लायक नहीं था। सचिव साहब और सदस्य सभी लोग मिलकर यहाँ चंदा कलेक्ट करके किसी रूप से इसको एक रूप दिया। जब हम लोग बैठे हैं तो तकरीबन 2 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसको नया जिले से लोग करा करके खड़ा किया। और साथ साथ जैसे जो मेरा पहले के वक्त ने बताया, उस समय में कुछ रोग ऐसे एक बीमारी माना जाता था, बिल्कुल छुआछूत और बाकी लोगों का माना जाता था कि उम्मीदों का होता है। उसी वजह एक तरफ जनता से समूह से एक तरफ से उन लोगों को अलग रखा जाता था। घर से किसी को भी ऐसे बीमारी हो जाता था। कुष्ठ आश्रम का यहाँ गोरखपुर कुष्ठ सेवा आश्रम का स्थापना दिवस था। आप जानते हैं तो कुष्ठ सेवा आश्रम 1951 में यहाँ बाबा राघवदास जी के माध्यम से फाउंडिंग हुआ था। उसके बाद लगातार उसी का जो बढ़ाते हुए हम लोग इस समय तक आ गए। पहले बहुत कुष्ठ रोगी थे, अभी तो बहुत लोग सही होकर के चले गए। अभी कुष्ठ सेवा आश्रम का तो स्वरूप भी बदल गया है, काम भी बदल गया। हम लोग थोड़ा नया असाइनमेंट ले लिए, खासतौर पर तो जनपद में कितने मानसिक विकसित लोग हैं उन्हीं लोगों का हम लोग रख करके सही करा करके घर भेज रहे हैं। साथ साथ अक्षय पात्रा के भी जगह दिए हैं, यहाँ तकरीबन 10,000 लोगों का जो भोजन उन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। भविष्य में उसका अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम भी अभी जल्दी खोलने वाले हैं, उसका सेवा तो लगातार जारी रहेगा और बेहतर रहेगा। कुष्ठ आश्रम में जो पंडित राघवदास जी का जो मूर्ति के लिए डिमांड था, जैसे BRD मेडिकल कॉलेज में अभी अनावरण हुआ है, उसी मॉडल पे हम जरूर यहाँ जल्दी हम लोग कराने वाले लगाने। सर, 100 बेड का अस्पताल ही बनना था। 100 बेड का हॉस्पिटल का अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ताकि हॉस्पिटल तो हम लोग का तो नया बन रहा, आप तो जान नहीं रहे। एम्स तो बन गया है, बन ही रहा है अभी। उसके बाद BRD में सुपर स्पेशलिटी में 500 बेड का हम जल्दी खोलने वाले हैं। अभी हॉस्पिटल का जो समस्या हाल हो गया, हम लोग का समस्या जो ये सामूहिक समस्या है, खासतौर पर जो वृद्धा लोग का है, अभी परेशान है बहुत लोग, उन्हीं लोग रखने के लिए रुकने के लिए जगह नहीं, और अनाथ आश्रम के रूप से भी यहाँ तो ढंग से कोई जगह नहीं। वो दोनों हम लोग प्रयास करते हैं।